सिंगल डिजिट यानी कि स्टूडेंट्स ओनली वंस एंड टू डिजिट यानी कि टेंस एंड वंस दोनों ही ओके। नंबर 10 से लेकर 99 नंबर 10 10 से लेकर 99 नंबर क्या है वो हमारे टू डिजिट वाले नंबर्स। कौन से नंबर्स है टू डिजिट वाले नंबर यानी हम जैसे लिखेंगे टेंस एंड देन वंस यानी जो सिंगल डिजिट होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग टेंस कहेंगे एंड देन सेकंड डिजिट होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग टेंस कहेंगे ओके। वंस एंड देन टेंस यानी कि फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी कि हमारे पास 11 नंबर्स है उसमें मुझे कितने नंबर ऐड करने हैं 3 नंबर ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि कोई भी जब भी हम सिंगल नंबर ऐड करेंगे तो वो वंस में ही लिखना है। कहाँ पे लिखना है हमें वंस में क्योंकि सिंगल डिजिट होता है वो वंस में ही लिखते हैं हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करना होगा हमें वंस की साइड पर डिजिट में हमें 0 करना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3030 वो तो रॉन्ग है हमें नंबर क्या लिखना है 3। तो आपको याद रखना है कि सिंगल डिजिट है तो वंस में लिखना है टू डिजिट है तो टेंस और वंस में दोनों में ओके। यहाँ पे सिंगल डिजिट ऑलरेडी 3 है यहाँ पे 3 हम कहाँ पे लिखेंगे वंस के साइड में एंड देन यहाँ पे टेंस में कोई डिजिट है नहीं है तो क्या करेंगे हम वहाँ पे 0 क्लियर। नेक्स्ट देखिए अब हम काउंटिंग करेंगे हमेशा काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम लोग वन साइड से यानी कि राइट साइड से। तो राइट साइड क्या है 1 + 3 कौन सा नंबर है 1 + 3 यानी कि हम पहले 1 नाइन रोल करेंगे एंड देन यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 1 2 एंड देन 3 नाइन रोल करेंगे और फिर देखेंगे साइड बाई साइड रिकाउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 यानी कि यहाँ आंसर क्या आएगा नंबर 4। तो नेक्स्ट टेंस काउंटिंग करेंगे 1 + 0 तो स्टूडेंट्स 1 की कोई वैल्यू होती है सॉरी 0 की कोई वैल्यू होती है नो यानी कि 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा नंबर 1 यानी कि 11 + 6 तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 14 क्लियर। फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग 10 एंड देन 1 यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 1550 और उसमें हम कितने नंबर ऐड करेंगे 2 नंबर ऐड करेंगे कितने नंबर ऐड करेंगे हम नंबर 2 कहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे 1 साइड से लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर सिंगल डिजिट है 2 डिजिट नहीं है सेकंड डिजिट में क्या कर देंगे मिस्टेक ना हो इसीलिए 0 कर देंगे। वन साइड से काउंटिंग करेंगे 5 में 2 ऐड करना है कितनी लाइनें करेंगे हम यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 तो कितनी ऐड करनी है हमें नंबर 2 यहाँ पे 2 लाइनें करेंगे 1 2 अब क्या करेंगे हम सारे की सारी लाइनें हैं वो रिकाउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हमारा आंसर क्या है 7 यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 7 एंड नेक्स्ट टेंस वाली लाइन काम करेंगे 1 + 0 तो 0 की कोई वैल्यू होती है नहीं यानी कि जो डिजिट है वही आंसर आएगा यानी कि आंसर क्या आएगा 1 यानी कि 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 17। तो नेक्स्ट देखेंगे सारी की सारी लाइनें हम
वन प्लस जीरो, यानी कि वन में क्या ऐड करना है हमें, जीरो, तो जीरो की कोई वैल्यू होती है नो, यानी कैंसिल जाएगा वन, यानी थर्टीन में हम सिक्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 19। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नंबर स्ट्रिप्स वाले काम नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, स्ट्रिप्स वाले का एडिशन करेंगे। स्ट्रिप्स वाले एडिशन यानी यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स बना रही हूँ, वहां पर हम लिखेंगे नंबर 20 तक, यहाँ तक लिखेंगे हम नंबर 20, जीरो वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड देन टू जीरो ट्वेंटी। ये हमने स्ट्रिप्स बनाई है, स्ट्रिप्स के ऊपर मैंने कितने नंबर लिखे हैं, वन से लेकर 20 नंबर तक। अब हम एडिशन करेंगे, सिंगल डिजिट की एडिशन करेंगे, देखिए उसका आंसर क्या है, टू डिजिट में आएगा, यानी कि मेरे पास पहले 10 चॉकलेट थी, फिर मेरे पास 10 चॉकलेट और आ गई, मेरे पापा ने मुझे फिर से 10 चॉकलेट दे दी, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट हो जाएगी, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, टू डिजिट। अब मैं कहूँ मेरे पास 5 चॉकलेट थी और मेरी मम्मा ने मुझे और 5 चॉकलेट दी, तो सिंगल सिंगल डिजिट है और क्या आएगा आंसर, 5 प्लस 5 10, तो आंसर टू डिजिट है। तो वैसे ही हमें स्ट्रिप्स के ऊपर से करना है, तो फर्स्ट में आप पर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया मैंने, वंस एंड देन टेंस, 5 प्लस 5, मेरे पास कितनी चॉकलेट थी, 5, यानी कि जब मैंने 5 ईयर करा दी, फिर मेरे मम्मा ने मुझे कितनी चॉकलेट दी, और 5 चॉकलेट दी, यानी कि मैं 5 नंबर आगे जाऊँ, क्योंकि हमें ऐड करना है, यानी कि हमारे पास वो चॉकलेट बढ़ गई है, यानी कि हम एडिशन कर रहे हैं, यानी कि 5 ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं नंबर 10 में, यानी कि 5 चॉकलेट में और 5 चॉकलेट ऐड करूंगी तो मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट हो जाएगी, 10। तो 10 नंबर हमें कैसे लिखना है, ऐसे 1 0 10 ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 से 0 एंड देन 10 से 1, यानी कि 1 0 10। अगर समझ में 10 डायरेक्ट में लिखना है, 10 डायरेक्ट ही लिखेंगे, लेकिन उस वीक कैसे कहेंगे प्लेस वैल्यू में, 0 यानी कि 1 एंड 1 यानी कि 10। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम 8 प्लस 4, क्या ऐड करना हमें, हमारे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे पास, नंबर 8, इसमें कितने ऐड करने हैं हमें, नंबर 4 ऐड करने हैं, तो 4 नंबर हमारे हैं, 1
क्या किया है एडिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।